भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 76वें वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मतवाले लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें यह आजादी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश की सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और सदियों से शोषित इस वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब के महान और दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह आशीर्वाद से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मुझे राज का बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरकार गठन के बाद हमने झारखंड में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए। हमने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखंड का निर्माण करेंगे। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़ा, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे तथा शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के परेशानियों का समाधान करे। मेरे विचार में यही राष्ट्र की सच्ची सेवा और सच्ची लोकतंत्र है। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन शुरू की। राज्य के हजारों पुलिसकर्मी को भी अपनी छुट्टी का हकदार हुए। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वर्ष प्रदान करती है। झारखंड आंदोलनकारी की पहचान कर उसके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव और पंचायत-पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंची है। राज्य के कई दूरस्थ स्थानों में प्रशासन देश की आजादी के बाद पहली बार पहुंचा है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बदहाली बयार
उनमें से एक है। यह सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक हैं और इस बात का प्रमाण भी है कि जनता से किए वादे को हमने कितनी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए आज हम इस मंच से एक नई योजना अबुआ आवास योजना का घोषणा करते हैं। आगामी 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो हॉल विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। पहले आपको योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों को का चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु अब आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपके समस्याओं का समाधान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन कर सरकार योजनाओं से आम नागरिकों को जोड़ा गया है। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के आयोजन से हमें उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 36,000 पदों पर नियुक्त हुए विज्ञापन प्रकाशित भी किया जा चुका है। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्ति में झारखंड के लोगों को उनका उचित हक मिले। हमारी सरकार ने लंबे समय से नियुक्ति की बाट जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को हाल में पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा सहायक अभियंता, आयुष चिकित्सक, शिक्षक सहायक, लोक अभियोजक, लेखा पदाधिकारी आदि के रिक्त पदों पर भी हमारी सरकार द्वारा हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। एक वक्त था जब हमारे होनहार छात्र परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करते करते थक जाते थे। आज कई ऐसे उदाहरण हैं जब इंटरव्यू के बाद 4-5 घंटे में ही परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। यह बदलते झारखंड और बढ़ते झारखंड की तस्वीर है। हमने राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों से रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण का वादा किया था। आज इस मंच से मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ की गई है।
इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 80 प्रखंड मुख्यालय पर बिरसा केंद्र शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत झारखंड के युवाओं, लाखों युवाओं को बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को रोजगार, स्वयं की व्यवसाय शुरू करने हेतु सस्ते एवं अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन संचालित है। इस वर्ष 2022 में लाभुकों के हितों के लिए इस योजना के प्रावधानों को सरल एवं उदार बनाते हुए आवेदकों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। अब 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है तथा 50,000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए सिर्फ एक गारंटर का प्रावधान रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 105 करोड़ रुपए ऋण राशि विमुक्त की गई है तथा वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। मैंने राज्य सरकार के कर्मियों को राजकर्मियों को कहा था कि आप जनता का सेवा करने में हमारा साथ दें, अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दें। हम साथ मिलकर राज्य का तस्वीर बदलेंगे। राजकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। विगत दिनों में जुड़ी तकनीकी विसंगतियों को दूर करते हुए पुरानी पेंशन योजना से संबंधित एसओपी को भी निर्गत कर दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मियों को बेहतर माहौल, सुविधा और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राजकर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत राजकर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए अधिक अधिसीमा के अंतर्गत कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति भी प्रदान की है। हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ प्रणोत्ति को के अड़चनों को दूर करते हुए कार्यरत पदाधिकारियों की समय बद्ध प्रणोति सुनिश्चित कर रही है। विगत दिनों झारखंड प्रशासनिक सेवा के 190 पदाधिकारियों को प्रणोति प्रदान की गई है। साथ ही साथ पुलिस सेवा के 24 पदाधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में तथा झारखंड प्रशासनिक सेवा के 41 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रणोति दी गई है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमारी सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांग जनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में माह जुलाई 2023 तक कुल 1400 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान का व्यय किया गया है। कुपोषण एवं एनीमिया उन्मूलन हेतु